मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए यहोशू का पुस्तक 6वां अध्याय 10वां वचन। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, यहोशू की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। और यहोशुआ ने लोगों को ये हुक्म दिया, ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। आज हम जो विषय ध्यान दे रहे हैं उस मुंह के विषय में है जो अविश्वास के शब्द नहीं वरन विश्वास के शब्द निकालता है। हमने जो पढ़ा वो वचन, इसके पीछे की बात हम सब जानते हैं। किस प्रकार इसराइल की प्रजा यहोशू के नेतृत्व में वायदे किए देश में प्रवेश किए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ यर्दन नदी को उनके सामने दो भाग किया। लेकिन अब जब वो वायदे किए देश में आ गए, यरीहो शहर का दीवार इनके सामने खड़ा है और इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके वायदे किए देश में प्रवेश करने को ललकार रहा है, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ अगुआ यहोशू, परमेश्वर के वचन पर उसको पूरा भरोसा है। उसने देखा है किस प्रकार उसका स्वामी मूसा परमेश्वर के शब्दों पर भरोसा करता था और परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को उसने देखा है। अब वो जब इसराइलियों की अगुवाई कर रहा है, उसने आज्ञा दी है किसी ने कोई आवाज नहीं निकालना, कोई शब्द सुना ना जाए। स्पष्ट आज्ञा दिया है, आपस में एक दूसरे से भी बात नहीं करेंगे। उन्हें 6 दिन दीवार के आसपास चारों तरफ चलना है, और जब कभी वो चलते हैं उनके मन में अविश्वास के विचार जरूर आते होंगे। जब वो अपनी तुलना इस बड़े दीवार के साथ करते हैं तो इस दीवार को गिराना असंभव कार्य है। ध्यान रखें कि यहोशुआ के समय की ये पीढ़ी ने वो पहले के अजीब कामों को नहीं देखा है जो यहोशुआ और कालेब ने देखा है। सो मानुषिक तौर पर अगर सोचे तो ये दीवार का गिरना असंभव है, और यहोशुआ जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता था, वो नहीं चाहता है कि लोगों के मन में अविश्वास भर जाए जिसके कारण उनके बाप दादाओं की तरह ये वायदे किए देश में नाश हो जाए। यहोशू याद करता होगा वो समय जब लोग परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए। लाल समुंदर पार होने के पहले वो जब मूसा और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए, उन्होंने परमेश्वर की 10 विपत्तियों को मिस्र में देखा है, लेकिन वो सब भूल गए जब लाल समुंदर उनके सामने है। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमें दफन करने के लिए कब्र नहीं था कि हमें मरुभूमि में मारने के लिए लाया? और यही अविश्वास के शब्द उनका न्याय का कारण भी बना। उन्होंने सबने मन्ना भी खाया और चट्टान से पानी भी पिया जो परमेश्वर ने दिया, लेकिन अविश्वास के कारण मरुभूमि में वो मर गए। याद रखे, जो बातें हमारे मुंह से निकलती है वो हमारा न्याय का कारण बन सकती है। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। हमने परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर देखा है, उस बहुमूल्य उद्धार को हमने चखा है, लेकिन फिर भी जब जीवन में समस्या आती हैं, हम इतने परेशान होते हैं और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो बताते हैं हमें प्रभु पर अभी भी भरोसा नहीं। यहोशू जानता है कि अगर वो आपस में लोग बात करें तो उनके मन के अंदर अविश्वास भरेगा, क्योंकि पूरा दिन वो ही सोचते रहेंगे। और ये अविश्वास, कुछ लोगों का अविश्वास सब लोगों के बीच की वो एकता को खत्म कर देगा। और अगली बात, अगर वो आपस में बात करते रहें तो यहोशू की आज्ञा को वो सुन नहीं पाएंगे,
यहोशुआ नहीं चाहता कि वो आपस में बुड़बुड़ाए। वो चाहता कि लोग प्रभु की स्तुति करें और जय की ध्वनि उनके मध्य में से उठे। यहोशू ने जब लोगों को कहा कि परमेश्वर ने शहर उन्हें दे दिया है, उन्हें विश्वास के साथ ललकार चिल्लाना है, दीवार गिरने के पहले चिल्लाना है। हमने ये घटना को लेकर प्रभु से आशीष पाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए चिल्लाना नहीं, लेकिन जब हमारे मन में अविश्वास हमें घेर लेता है, हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने में तुला होता है, हमें जय के जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट बनता है, आइए हम विश्वास के उस ललकार के साथ एक एक कदम आगे चले। प्रभु ने हमें क्रूस पर जय दे दिया है। प्रभु के वायदों को याद करें और शैतान के ऊपर जय के साथ, अधिकार के साथ एक एक दिन आगे बढ़े। सो जो शब्द हम मुंह से निकालते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, ध्यान रखें अविश्वास के शब्द ना हो। स्वर्ग और शैतान हमारी हर बातों को सुनता है। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक बात प्रभु की महिमा का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, इसराइली किस प्रकार खामोशी से उस दीवार के आसपास चले, वैसे प्रभु हमारे आज जीवन में भी जब समस्याएं, निराशाएं, परेशानियां जब आती हैं, चुप रहते हुए प्रभु अविश्वास की बातों को ना सोचते हुए, आपने जो जय दिया है उस बात को मनन करते हुए स्तुति के साथ एक एक दिन आगे बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें। आपकी आशीष हम एक एक के जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। इन दिनों में जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, अविश्वास के शब्द नहीं, विश्वास के शब्द हमारे मुंह से निकले और प्रभु का नाम ऊंचा हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।